सामान रेडी है दोस्तों और हम जा रहे हैं रामनगरी अयोध्या। आप देख सकते हैं पानी का मौसम है, रोड में पूरा पानी पानी है। और चलिए स्टेशन की ओर रुक करते हैं, वहाँ का नज़ारा कैसा है देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कितना अंधेरा मचा है पूरे प्लेटफॉर्म में। जबलपुर में कोई लाइट गोल हो गई है तो दिखाते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम आ चुके हैं रामनगरी अयोध्या। आप सभी का स्वागत है रामनगरी अयोध्या में। दोस्तों ये अयोध्या स्टेशन है और चलिए चलते हैं बाहर, फिर सभी फटाफट होटल में रुकते हैं। एक दो तीन चार प्लेटफॉर्म है, विदेशी नागरिक का फोटो बना होता है। लिट्टी चोखा और अयोध्या भरता चोखा चोखा चटनी वाला कटोरी का बना है ना, घर पैक कर लेंगे उसके लिए भी। दोस्तों हमें लगी थी बहुत तेज भूख तो हमने सोचा चलो लिट्टी चोखा कुछ खा के होटल चला जाए और फिर वहाँ से नहा धो के तैयार होके मंदिर की ओर चलते हैं। तो चलिए मेरे साथ आप भी आनंद लीजिए लिट्टी और चोखा का। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम आ चुके हैं अयोध्या। और दोस्तों अभी हम फिलहाल बहुत थक गए हैं, रूम में आ गए हैं, हम फटाफट तैयार होकर निकलते हैं यहाँ। आज पहले सबसे पहले जाएंगे हनुमानगढ़ी मंदिर, उसके बाद फिर हम चलेंगे दोस्तों अयोध्या राम मंदिर। तो और दोस्तों समय मिला तो मैं आपको अयोध्या का जो नया रेलवे स्टेशन बन रहा है, बहुत ही सुना बहुत ही सुंदर है, उसका व्यू मैं दिखाऊंगा आपको। तो अगर टाइम मिला तो पक्का वहाँ चलेंगे। फिलहाल अभी फटाफट तैयार होते हैं और चलते हैं अयोध्या राम मंदिर की ओर। तो फ्रेंड्स हम निकल चुके हैं अपने मंजिल की ओर और हम चल रहे हैं सबसे पहले हनुमानगढ़ी, उसके बाद हम जाएंगे अयोध्या नगरी अयोध्या मंदिर। मैंने वो खिलाने के लिए दोस्तों आ गए हम अयोध्या मंदिर की रोड पर। बस यहाँ से सीधा आप जाएंगे तो अयोध्या मंदिर पड़ेगा और आप देख सकते हैं दोनों तरफ ये रोडों को चौड़ीकरण किया गया है और जितना भी अतिक्रमण किया है दोस्तों सरकार, देखिए आप सरकार खुद छपाई करके और एक जैसी नक्काशी सभी घरों में दी गई है और एक जैसा कलर पूरा किया गया है। दोनों तरफ रोड के दाएँ तरफ बाएँ तरफ दोनों एक जैसा कलर पूरा और एक जैसी नक्काशी आपको मिलेगी और साथ ही साथ दुकानों में भी जो शटर होती है उसमें भी बहुत अच्छी डिज़ाइन करी गई है। ये है शासकीय श्री राम चिकित्सालय। दोस्तों ये राम मंदिर के जस्ट पास में ही सरकारी अस्पताल है और आगे आप देखेंगे ये जस्ट राम मंदिर इसके जस्ट पास में बाजू में लगा हुआ है। ये अतिक्रमण चल रहा है दोस्तों, ये रोड बंद है, कुछ काम चल रहा है और इसके पीछे ही देखिए आपको राम मंदिर मिलेगा। ये आप दूर से देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है राम मंदिर अयोध्या का फ्रंट मेन गेट है। दोस्तों यहाँ से हम एंटर होंगे राम मंदिर के लिए। अभी राम मंदिर बनने में समय है दोस्तों, अगले महीने जो गर्भगृह की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, अगले महीने जो ओपनिंग होनी है वो राम मंदिर के अंदर होनी है, पर पूरा मंदिर बनने में अभी बहुत समय लगना है दोस्तों। तो ये फ्रंट गेट है दोस्तों, ये बनने के लिए तैयार हो रहा है, देखिए कब तक बन सकता है। हमें जाना है दोस्तों इसके आगे, इसके थोड़े आगे दोस्तों हनुमानगढ़ी मंदिर है। सबसे पहले हम हनुमान जी के दर्शन करेंगे, उनसे आज्ञा लेंगे, उसके बाद फिर हम राम मंदिर अयोध्या आएंगे दर्शन करने। और आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए शटर में कितनी सुंदर सुंदर आकृति बनी हुई है। ये दोनों तरफ पूरी शटरों में बनी हुई है, पूरे मार्केट में हर शटर में ये बनाया गया है। कहीं धनुष बाण बने हैं तो कहीं भगवा झंडा बना है तो कहीं आपको मैं दिखाऊंगा आगे, देखिए आगे मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए ये देखिए दोस्तों, ये कितनी सुंदर सुंदर शटरों में बहुत अच्छे पेंट किए गए हैं, शंख बना है, साथिया बना है और बहुत ही सुंदर ये प्रतीत। जब पूरा बन के तैयार हो जाएगा दोस्तों ना, एक ऐसा लगेगा कि हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं।
चलिए ये आगे हनुमानगढ़ी मंदिर, चलिए। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं हनुमानगढ़ी मंदिर, आप देख सकते हैं पीछे ये हनुमानगढ़ी मंदिर है और बहुत ही कंजेस्टेड है पूरा, सब आप देखिए। बोल बजरंग बली की जय। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये हनुमानगढ़ी मंदिर नहीं है, ये अयोध्या का सबसे ऊंचा राजद्वार मंदिर है। आप देख सकते हैं दोस्तों इसके ऊपर की जो गुम्बद है दोस्तों वो पूरी सोने की बनी हुई है। ये अयोध्या का सबसे ऊंचा मंदिर है, हनुमानगढ़ी मंदिर इसके जस्ट बाजू में है। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना ही बहुत ही प्यारा यहाँ का माहौल है, बहुत ही सुंदर। हम हनुमानगढ़ी पहुँच चुके हैं और पीछे आप देख सकते हैं हनुमानगढ़ी मंदिर है। ये क्या नाम है आपका? शक्ति नाम है मेरा। शक्ति भाई यहाँ पर मिले हमें और बहुत ही प्यारा बहुत ही सुंदर यहाँ का नज़ारा है। दोस्तों हमने ले लिया है प्रसाद और माला, अब हम मंदिर में चलते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पे मंदिर प्रांगण में और आप देख सकते हैं हनुमानगढ़ी मंदिर, आपको दिखाता हूँ मैं। दोस्तों ये है अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के हनुमान जी और बहुत ही सुंदर अच्छे दर्शन हुए हैं दोस्तों। फ्रेंड्स हम हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन कर चुके हैं और हम बाहर निकल रहे हैं। देखिए बहुत ही प्यारा बहुत ही सुंदर ऐतिहासिक गेट है, बहुत ही सुंदर मंदिर है दोस्तों यहाँ पे। प्यारे दोस्तों हम हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन कर चुके हैं और आप देखिए कितना प्यारा यहाँ का पूरा मार्केट बना हुआ है, पूरा एक सा कलर एक सी पूरी डिज़ाइन पूरे अयोध्या में ये बनाई गई है। देखिए आप जैसे ये देखिए ये आप आर्च देख रहे हैं, ये आर्च पूरे अयोध्या में हर जगह पूरे बाजार में आप देख सकते हैं हर जगह बने हुए हैं।
आप देखिए ये राजा दशरथ जी का राजमहल है। हम अंदर नहीं जा रहे हैं, हमें क्योंकि समय नहीं है, हम आपको बाहर से दिखा रहे हैं दशरथ जी का राजमहल। यहाँ से राइट कनक भवन है दोस्तों, पर हम सीधे जा रहे हैं, सीधे राम मंदिर के लिए रास्ता है। और ये देखिए दोस्तों, हर जगह यहाँ पूरे अयोध्या में बंदर ही बंदर मिलेंगे, बहुत ही प्यारे और बहुत ही सुंदर। दोस्तों ये देखिए, यहाँ ये है रास्ता राम मंदिर जाने का, और हम अभी थोड़ा आगे जाएंगे, एक मंदिर और है, फिर वापस लौट के हम यहाँ आएंगे। तो अभी चलते हैं आगे, ये देखिए राम जन्मभूमि जाने का मंदिर। हर जगह दोस्तों यहाँ मंदिर मिलेंगे। दोस्तों ये अयोध्या राम दरबार है दशरथ गढ़ी के नाम से, चलिए मंदिर के अंदर हम चलते हैं। अच्छा ये वीडियो मत बनाइएगा भैया, फोटो खींच सकते हैं। चलो ठीक है, क्योंकि वीडियो नहीं लगा हुआ है। ठीक है भैया, ठीक है। ये मूर्ति उला करके मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के द्वारा मूर्ति यहाँ स्थापना किया गया है, राम मंदिर बनेगा तो वहीं जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आ जा बन रही है, ये तो वो है ना, बता रहे भैया। ये पटवेद हैं जिनके माता पिता नहीं रहते, स्वर्गीय हो जाते हैं, तो कुमार के पितृपक्ष में पिंड दान करने जाते हैं गया जगन्नाथपुरी, तो जगन्नाथपुरी से पटवेद लाते हैं, इनको एक साल तक रख करके आप अपना पूजा पाठ करेंगे, एक साल के बाद में चार जगह इनको ले जा करके चढ़ाना होता है, मथुरा वृंदावन बद्रिका आश्रम अयोध्या। तो जो लोग वहाँ नहीं पढ़ पाते कि अयोध्या ही वैकुंठ माना है, इसलिए अयोध्या में ला कर चढ़ाते हैं, जब यहाँ ला कर चढ़ाते हैं तो एक साल का पूजा होता है इनका। जी जी, एक साल के बाद में जब पूर्ण हो जाता है तो ये है सरयू नदी में प्रवाह करने वाला है। चलिए दोस्तों, फाइनली अब हम राम मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ये रास्ता पीछे से है दोस्तों, फ्रंट का रास्ता मैंने आपको दिखाया था, जो मेन गेट बन रहा था वो फ्रंट का रास्ता है, पर हनुमानगढ़ी मंदिर होते हुए हम पीछे से यहाँ प्रवेश किया है। यहाँ भी देखिए बहुत से मंदिर हैं, आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर जगह जगह पर पूरा समझिए अयोध्या राम मंदिर के आसपास पूरा क्षेत्र, कहीं राजा दशरथ जी का महल है तो कहीं ये है, तो मैं आपको रास्ते में सारे दिखाऊंगा। जैसे ये देखिए, ये दोस्तों भरत निवास मंदिर है। अब इसके आगे हम जाएंगे, अलग मंदिर मिलेगा। ये दशरथ जी का इच्छा भवन है दोस्तों। दोस्तों ये भरत महल है, आप आगे चलेंगे दोस्तों। मंदिर कहाँ है भैया? इधर। दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं राम मंदिर, आप सामने देख सकते हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है दोस्तों, वो है श्री राम जी का मंदिर, भव्य मंदिर जो वहां बन रहा है, वो बन के बहुत ही जल्द तैयार होने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों मंदिर के हमें दर्शन मिल गए हैं, पर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, और ना ही कोई मोबाइल कैमरा ना घड़ी, कुछ भी आप मंदिर के प्रांगण में नहीं ले जा सकते हैं। आप पीछे देख सकते हैं ये लाइट जो है, यही श्री राम जी का मंदिर बन रहा है, और देखिए पीछे आपको लाइट दिख रही होगी, ये लाइट है, यहीं पर राम जी का मंदिर बन रहा है, और अगले महीने यहीं पे रामलला जो विराजमान हैं उनको वहाँ उनके जन्म स्थान में विराजित किया जाएगा। आप देख सकते हैं पीछे लाइट लग रही है, वहाँ ना कोई कैमरा और ना ही कोई मोबाइल, कुछ भी नहीं ले जाते हैं। मैंने दर्शन करके आ गया हूँ रामलला के, और बहुत ही सुंदर बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए हैं भगवान जी के। तो चलिए दोस्तों एक आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। दोस्तों आप देखिए भव्य तरीके से यहाँ पे पूरा मंदिर के निर्माण में सब लगे हुए हैं, पूरा जोर शोर से यहाँ पूरा काम चल रहा है,
और बहुत ही जल्द मंदिर का संपूर्ण निर्माण हो जाएगा, कुछ ही साल लगेंगे। पर अगले महीने जो रामलला जो मंदिर, रामलला मंदिर का जो जन्म स्थान है, राम जी के जो जन्म स्थान है, वहाँ पर हमारे रामलला का विराजमान किया जाएगा और उसका अगले महीने उसका उद्घाटन है, जो कि मंदिर के बीचों बीच प्रांगण है। वहाँ जाना ना मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि वहाँ जाना अलाउ नहीं है और ना ही वहाँ कोई वीडियो बना सकते हैं, ना ही कोई कैमरा से फोटो खींच सकते हैं। तो आप देखिए कितना प्यारा, कितना सुंदर यहाँ व्यू है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है दोस्तों। तो आइए अगले महीने राम जन्मभूमि राम मंदिर अयोध्या में और दर्शन कीजिए रामलला जी के। तो दोस्तों अब हम चल रहे हैं सरयू नदी, और आपको दिखा दूं सरयू नदी के रास्ते में ये जो चौराहा पड़ता है, ये लता जी की याद में बनाया गया है, ये सितार लता जी की याद में बनाया गया है और बहुत ही सुंदर, आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। तो चलिए चलते हैं सरयू नदी की ओर। ये देखिए दोस्तों सरयू नदी पर ये राम जी की पौड़ी, ये जो घाट बनाया गया है, नदी से लगा हुआ घाट है। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, दिवाली के दिन यहाँ लाखों दीपक यहाँ जले थे और बहुत ही सुंदर दृश्य रहता है दोस्तों। तो चलिए हमें आप ये दृश्य देखने मिल गया है जो शाम की यहाँ आरती होती है दोस्तों। तो चलिए आपके साथ ये आरती का आनंद लेते हैं। दोस्तों आपसे आज्ञा लेने का वक्त आ चुका है। एक दिन में अयोध्या को मैं जितना कवर कर सकता था मैंने किया दोस्तों। पूरी कोशिश है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप आइए दोस्तों अयोध्या, ज़रूर आइए और समय लेके आइए, पूरा अयोध्या घूमिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय दोस्तों।